बच्चों, नई क्लास, नए फ्रेंड्स के साथ आज तुम आए हो, नई बुकों के साथ आज तुम आए हो। और इन नई बुकों में है एक मैथ्स बुक जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है। मैं सबसे पहले और सबसे इजी मेथड्स के द्वारा तुम्हारी इन परेशानियों को बाय बाय करने वाला हूँ। आइए चलते हैं। अपना पेन और नोटबुक आप निकाल लीजिए, क्योंकि पेन और नोटबुक अगर आपके हाथ में होती है तो आपका माइंड इधर उधर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं जो आपको समझाऊँ, जिसको नोट करने के लिए कहो उसको नोट कीजिएगा और अपने एक नोट्स बनाइएगा। बहुत से टीचर कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रजिस्टर जरूर बनाओ मैथ के लिए, जिसमें आप मैथ का वर्क करें। वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में आपको ज़रूर मदद देगा। उस वक्त ज़रूर मदद देता है जिस वक्त एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और टीचर हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमने हर एक क्वेश्चन को अपने मेथड से किया तो हम तुरंत रजिस्टर को उठाएगा और देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं। चैप्टर है नंबर 1, रियल नंबर। रियल नंबर, क्लियर। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हमें रियल नंबर के बारे में जान लेना है। क्लियर, देखिएगा, हम बात करेंगे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1, 2, 3 एंड सो। हमारा इंटीजर, इंटीजर बात क्या करते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इज डिनोटेड बाय आई और जेड, जो सेट रहेगा 0, -1, -2, -3, 1, 2 एंड सोन होता है। क्लियर, यहां पर हम रेशनल नंबर की भी बात करते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी, ये तो सभी इंटीजर होते हैं। क्लियर, आप इनको ऐसा लिख सकते हो जैसे 1/3, 4/5, 6/7, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे। क्लियर, बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रियल में से आप रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो जो नंबर बचता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं लेता हूँ √2, √3 एंड सो ऑन, पाई एंड सो ऑन, ये सभी नंबर इरेशनल नंबर आते हैं। ये भी काउंटिंग में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। क्लियर, और इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वो पार्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो 10th लेवल पर है और जो पहला पॉइंट है वो है एक मैथमेटिशियन के नाम से, जिसको जाना जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लेमा क्या कहती है इसको हमें समझना है और इस लेमा के बेस पर क्वेश्चन करने होते हैं। ये लेमा ये कहती है कि अगर आप कोई भी पेयर लेते हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स के 2 पेयर लेते हो, जैसे मैंने लिया 24 और 4, ये पेयर लिया, तो
आप इसको अगर डिवाइड करो तो 24 को 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलता है? 4 सिक्स जा 24, रिमाइंडर आता है 0। क्लियर? अगर आप 25 को 4 से डिवाइड करें तो 24 और ये रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप 26 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 सिक्स जा 24, तो रिमाइंडर आता है 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अगर हम 27 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका 3। और अगर आप 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। अगर आप 4 से 29 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप किसी फिक्स नंबर जो कि 4 है, यहाँ पर 4 नंबर है, से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। और फिर अगर नंबर को आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फिर 0, फिर 1, ऐसे ये रिपीट होते रहते हैं। मतलब ये कि जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उस नंबर से लेस एक नंबर और 0 या 0 से ग्रेटर रिमाइंडर फाइंड आउट होते हैं। मतलब ये दोबारा समझिए, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया, डिवाइजर मैंने क्या लिया, 4 लिया, और किसी भी नंबर को डिवाइड करता हो ए टू जेड, तो यहां पर रिमाइंडर जो बनता है हमारा 0 और 1 और 2 और 3 बनता है, इसके अलावा नहीं आता। ये सब जानते हो ना कि भाई हम ये जो सिस्टम हमारा होता है ये बहुत पहले से आप स्टडी करते आ रहे हो कि यहां पर हम डिविडेंड लिखते हैं, यहां पर हम डिवाइजर लिखते हैं, ठीक है, यहां पर हम कोशेंट लिखते हैं, और जो सोल्व करके आता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर ये पॉइंट? और इसी फॉर्म को हमने ऐसे भी, जहां पर कोशेंट मालूम हो, रिमाइंडर मालूम हो, डिवाइजर मालूम हो जाए, तो हमने ये भी सीखा है कि क्यू एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और इसी को हम कह सकते हैं डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। क्लियर? ये हमने शायद डिवीजन का रूल जो शुरू हो जाता है वो शायद थर्ड और या फोर्थ सेकेंड इन क्लास से शुरू हो जाता हो, मैं नहीं जानता इस चीज़ के लिए, लेकिन इस फॉर्म को हम स्टडी करते आ रहे हैं। बस यूक्लिड्स ने इस फॉर्म को एक नई फॉर्म का नाम दिया, एक नई फॉर्म में रिड्यूस किया, और डिविडेंड और डिवाइजर में एक रिलेशन डेवलप किया दूसरा नया। वो क्या था? देखिए, हमने यहाँ पर 24 को 4 से डिवाइड किया और कोसेंट 6 आया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 24 को इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। लिख सकता हूँ, देखो 4 सिक्स 24 प्लस 0, 24 ही आ जाएगा, इक्वल हो गया। यहाँ पर 26 को, सॉरी 25 को 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई डाउट? 4 सिक्स जा 24 प्लस 1 25। यहां पर 26 को 4 इंटू 6 प्लस 2 लिख सकता हूं, यहां पर 27 को 4 इंटू 6 प्लस 3 लिख सकता हूं। डिविडेंड और डिवाइजर में रिलेशन बन रहा है कि नहीं, हम ये स्टडी करते थे अब तक।
अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर 4 इज इक्वल वो 28, 4 इंटू 6 प्लस 0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम 2 नंबर ले, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर हम किसी ए नंबर को, जैसे कि हमने 24 लिया और 25 लिया और 26 लिया, ये कोई भी हो सकता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाए और बी में 4 सपोज करो, बी को मैंने क्या किया 4 सपोज किया, तो जरा यहां पर पुट करके देखो क्या बनता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू 6 जो था ये क्या था कोसेंट, तो क्यू से रिप्रेजेंट कर दो, प्लस 0 क्या था रिमाइंडर, इसको आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये 24 5 को मैंने माना ए, 4 को बी से रिप्रेजेंट किया, 6 को क्यू से रिप्रेजेंट किया, 1 को आर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर ए बी इंटू क्यू प्लस आर, ये एक नोटेशन दे रहा हूँ इन नंबरिंग को, क्लियर। लेकिन मुझे मालूम क्या है, मुझे बी और ए मालूम है इस पोर्शन में, ये हमने फाइंड आउट की 6 एंड 2 फाइंड आउट की। इसी प्रकार ये हमारा ए हमें मालूम है, 4 हमें मालूम है जिसको हमने बी कहा, 6 हमने फाइंड आउट किया जिसको हमने क्यू कहा, और आर हमने फाइंड आउट कहा जिसको हमने रिमाइंडर आर कहा। तो अगर हमारे पास कोई 2 नंबर ए और बी ये मालूम हो, ए और बी, तो हम ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, समझना है पॉइंट को। अगर ए और बी ये मालूम हो, मींस ऐसे कि इनमें से एक नंबर हम डिवाइजर ले ले और दूसरे नंबर को हम डिविडेंड मान ले, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं Q एंड R, जो A इक्वल टू B प्लस B इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे जा सके। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B रहेगा, दैट मीन्स R की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी एंड सो ऑन, लेकिन होगी सदैव लेस देन बी, क्लियर। दैट इज आर बी माइनस 1 भी लिख सकता हूं, इट इज करेक्ट, बी से एक का। अब इस बात को हमने इस सिस्टम के थ्रू समझा कि भाई ऐसा लिखा जा सकता है। इसी बात को यूक्लिड्स ने अपना लेमा बनाकर प्रेजेंट किया कि भाई आप अगर ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर, कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, तो क्यू एंड आर ऐसे 2 इंटीजर फाइंड आउट किए जा सकते हैं जिसमें आर की वैल्यू 0, 1, 2 और बी माइनस 1 हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ, यही रूल हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में जाना जाता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था ये हम नोट करते हुए चले, और इसको फिर हमें अप्लाई करना सीखना है कि हम इसके थ्रू किस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नोट करते हैं कि ये लेमा क्या कहता है। ये लेमा कहता है गिवेन एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट और ये भी कह सकते हो देयर एग्जिस्ट के स्थान पर वी कैन फाइंड, एक ही बात होती है देयर एग्जिस्ट वी कैन फाइंड देयर एग्जिस्ट क्यू 2 इंटीजर Q and R such that
इज इक्वल टू बी क्रॉस क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। ये आर क्या होगा फिर सुन लीजिए, सबसे ज्यादा यूज करने वाला हो जब हम यूक्लिड्स लेमा को यूज करेंगे, हम अपने न्यूमेरिकल में जब यूक्लिड्स लेमा को यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जाऊंगा उसमें आर का यूज होना है, सबसे ज्यादा यूज होना है, तो उस वक्त हमारे बहुत काम आएगा। ये आर क्या है, दैट मीन्स इस आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एंड सो ऑन, बी माइनस वन हो सकती है, बी से कम रहनी है। कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो जीरो आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 4 से फिर 26 को डिवाइड करते हैं 2 आता है, 4 से 27 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। जैसे ही हमने 28 लिया और 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आया, जैसे हमने 29 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर रिपीट होने लगे। क्लियर? तो मतलब ये कि अगर आप 4 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो एलवेज रिमाइंडर आपका जीरो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, वन, टू और थ्री आएगा। ये हमें लर्न करना है, ये हमें समझ लेना है कि किसी भी इंटीजर को जब किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर सदैव डिवाइजर से एक कम होता है। जैसे हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, चाहे तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा। क्लियर? जैसे हमने 5 से डिवाइड किया, सपोज करो आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि आप ले लीजिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो देखिएगा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, जीरो। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा जब इसको डिवाइड करोगे, वन। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, टू। इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, थ्री। इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, फोर। इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, वन। इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, टू, एंड सो। मतलब ये फाइव अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या क्या होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड कीजिए 5 से, करके देखिए। जब तक हम राइटिंग में डिवाइड नहीं करेंगे, सेल्फ डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। आप डिवाइड कीजिए, आपको रिमाइंडर सदैव 0 और 1 और 2 और 3 और 4 ये ही फाइंड आउट होंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूक्लिडियंस के बेस पर, यूक्लिड्स थ्योरम के बेस पर एग्जाम्पल को कराऊंगा। जब तक, अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।